हेलो गाइस, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आठवें वेतन आयोग लागू होते ही कितनी बदल जाएगी आपकी सैलरी, और जानिए यहां से फुल अपडेट। लगातार चैनल पे बने रहिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है और आठवें वेतन आयोग की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है, जिससे कि लाखों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है। और इस आयोग के लागू होने से न सिर्फ बेसिक से बढ़ेगी बल्कि अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा। पिछले कुछ महीनों आठवें वेतन आयोग को लेकर के चर्चाएं तेजी से हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों ने इसके मांग भी उठाई है। माना जा रहा है कि अगले साल के बजट में इस बार कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। आइए जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग क्या है और इससे आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। आठवें वेतन आयोग क्या है? वेतन आयोग एवं ऐसी समिति होती है जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करती है और यह हर 10 साल में गठित किया गया है। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए अब आठवें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। लागू होने की संभावित तिथि जनवरी 2026 में और न्यूनतम वेतन अनुमानित 34,560, अधिकतम वेतन अनुमानित 4,80,000, फिटमेंट फैक्टर अनुमानित 1.92 एंड लाभार्थी होंगे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों की पेंशनर्स एंड पेंशन में वृद्धि 50% की डीए में बदलाव नया फार्मूला संभव है। तो सैलरी में कितना होगा इस दफा? यहाँ पे आठवें वेतन आयोग लागू होने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये एंड बढ़कर के 34,560 रुपये हो सकती है, यानी करीब 99% की बढ़ोतरी। और वहीं जो है अधिकतम की बात करें तो बढ़कर के 2.5 से बढ़कर के 4.8 लाख रुपये तक जा सकता है। तो वेतन में वृद्धि का अनुमान लेबल एक कर्मचारी लगभग 18,000 से 34,560 रुपये, लेबल 18 कर्मचारी 2,50,000 से 4,80,000 रुपये, न्यूनतम पेंशन 9,000 से 17,000 रुपये, अधिकतम पेंशन 1,25,000 से 2,40,000 रुपये। तो फिटमेंट फैक्टर्स की बात करें तो क्या है और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताएं। फिटमेंट फैक्टर्स वह गुणक होता है जिससे कि पुराने वेतन को गुणा करके नए वेतन निकाला जाता है। वेतन वे सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, आठवें वेतन आयोग में इसके 9.92 होने की संभावित। फिटमेंट फैक्टर्स जितना ज़्यादा होगा वेतन में वृद्धि उतनी ही अधिक होगी एंड भत्तों में बदलाव हो सकते हैं। आठवें वेतन आयोग से न सिर्फ बेसिक पे बढ़ेगी बल्कि विभिन्न भौतिकी में बदलाव होने जा रहा है और महंगाई भत्ता डीए इसकी गणना का नया फार्मूला हो सकता है। एंड मकान किराए की बात करें तो डीआरए शहरों के
वर्गीकरण के आधार पर बढ़ सकता है। यात्रा जो है भत्ता में भी वृद्धि संभव है। एंड शिक्षा विभाग में बच्चों ने भी शिक्षा के लिए मिलने वाला भत्ता बढ़ा सकता है। पेंशनरों को क्या फ़ायदा हुआ? आठवें वेतन आयोग ने पेंशनरों के लिए भी बहुत बड़ी अच्छी खबर को लेकर के आए हैं और अनुमान है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर के 17,200 हो जाएगी। अधिकतम पेंशन में दीदी की बात करें तो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पर 2.40 लाख रुपए तक जा सकती है। देखेंगे सरकार के मायावी भाव से पेंशन में संभावित बदलाव। पेंशन फार्मूले में बदलाव हो सकता है। पेंशन का प्रतिशत बढ़ा सकता है। वर्तमान में 50% है। महंगाई राहत DR की गणना का तारीख बदलाव ला सकता है। आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा? और अभी तक जो है आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि बदलाव हो सकता है। 2025 के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। आयोग को जो है बता दें कि उसकी तैयारी है कि 18-24 महीने की बात करें, जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। क्या होंगे आठवें वेतन आयोग के फायदे? तो आठवें वेतन आयोग के लागू होने से क्या कई फायदे हो सकते हैं? आपको बता दें कि उन फायदों के बारे में, कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, सरकारी नौकरियों का आकर्षण बढ़ेगा, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा। आठवें वेतन आयोग को लेकर के क्या होगा कर्मचारी की मांग? कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग को लेकर के कई मांगे रखी। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, फिटमेंट फैक्टर 3.68 रखा जाए और एंड पेंशन का प्रतिशत बढ़ा करके 60% किया जाए। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए। DA की गणना का जो है पुराना फार्मूला वापस लाया जाए। तो